हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे को थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, इसलिए आज मैंने जो है खाने में बहुत ही स्पेशल बनाया है। क्या बनाया है वो आप आगे देखिएगा। मैंने जो है सुबह में ही खाना बना लिया था, सूप मैंने कर लिया है, आटा भी लगा के मैंने रख दिया है। तो आज मैं नमकीन रोटी बना रही हूँ, जो उस दिन मैंने बनाया था पनीर के साथ, वही मैं आज जो है रोटी बनाऊँगी। तो उस दिन मैंने उसकी रेसिपी जो है सूट नहीं की थी, बस मैं बनाई थी वो मैंने आप लोग को दिखा दिया था। तो आज उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं जो है नमकीन रोटी बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, क्योंकि मेरा जो है दूध फट गया था, तो उसी का जो पानी था ना, उसी से मैंने जो है आटा लगाया है, उससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो अगर आपका भी कभी कभी ऐसा हो या छेना फाड़े, तो उससे भी आप बना सकते हैं, जो पानी बच जाता है उससे, या नॉर्मल अगर आप रोटी बनाते हैं तो उससे भी आटा लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनता है। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं किचन में और फटाफट से जो है रोटी बनाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि उससे बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो फटाफट से अब मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद ना आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, तब तक आप लोग देखिए कि मैंने जो है क्या बनाया है, आगे देखिए आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है छोला बॉईल होने के लिए रख दिया है, इसमें एक सीटी लग गया है, तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया। लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मैं 10-12 मिनट के लिए पकने दूंगी। और यहाँ पे जो है कल का दूध मेरा जो है फट गया है, ये आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से ये फट गया है। तो इसका पानी मैं निकाल लेती हूँ और पनीर अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पर साथ के साथ मैं जो है प्याज भी कट कर रही हूँ छोला के लिए। तो फटाफट से अब जो है खाना रेडी करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो है प्याज वगैरह भून लिया और ये छोला अच्छे से जो है बॉईल हो गया है और मसाला भी साथ के साथ भून रहा है। अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, जितना आपको बनाना है उस अनुसार ले लें। और अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जितना अजवाइन और कलौंजी, यहाँ पे साथ में मैंने मिक्स कर रखा है। और साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच जितना तेल और इसे हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी जो छेना का पानी मैंने निकाल रखा है, वो इसमें मैं डालूंगी, जो लास्ट वाला बचा हुआ है ना, वही मैं डालूंगी। इसमें थोड़ा बहुत जो है पनीर है, इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आज का ये रोटी। और इसे का मैं जो है थोड़ा टाइट डो जो है तैयार करूँगी। ये देखिए, मैंने डो जो है लगा लिया है आटा, और इसे मैं साइड में रख देती हूँ रेस्ट होने के लिए। और यहाँ पर देखिए मसाला जो है रेडी हो गया है छोला का, तो इसमें मैं डाल देती हूँ छोला जो बॉईल करके मैंने रखा है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ और इसमें थोड़ा उबाल आने देती हूँ। मैं इसकी रेसिपी जो है सूट नहीं की हूँ, क्योंकि मैं जो है लाइव आप लोग के साथ शेयर की हूँ, चाहे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने लाइव में अच्छे से जो है शेयर किया है। और जो थोड़ा सा पानी बच गया था छेना का, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, जिससे और भी ज़्यादा इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें मैं डालूँगी छोला मसाला और इसे मैं थोड़ी देर जो है बॉईल होने दूंगी, लगभग 5 मिनट के लिए, तो बस रेडी हो जाएगा मेरा छोला। तो दोस्तों, यहाँ पे आटा जो है अच्छे से रेस्ट हो गया, इसे मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा टाइट डो जो है रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा आज का रोटी बनने वाला। और यहाँ पे ये कुछ बात कर रहे थे, तो वो साथ के साथ मैं बात भी कर रही हूँ। और फटाफट से अब मैं खाना बनाऊँगी। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मैं इसमें कुछ तामझाम नहीं की हूँ। हाँ, इसको किस तरह से सानना है वो मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए, तो बस वही मैंने जो है सूट कर लिया, आप लोग को बता दिया है। आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है जैसे तंदूरी रोटी है या फिर नान जैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो खैर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक रोटी जो है सेक लेती हूँ, बाकी मैं आप लोगों को ना पास से दिखा दूँगी कि किस तरह से मैंने जो है इस रोटी को बनाया है, बहुत ही ईजी है।
तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा रोटी भी मैंने तवा पे डाल दिया और फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पे। इसे अच्छे से एक साइड हम सेक लेंगे, उसके बाद जो है पलट कर दूसरे साइड हाई फ्लेम पर हम सेकेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी अच्छे से सिक गया है, तो फिर से इसे मैंने पलट दिया और तवे पे इसे हम इस तरह से जो है फुला लेंगे। आप देख सकते हैं कपड़े की मदद से मैं इस तरह से जो है इसे सेक रही हूँ, और इसी तरह से दूसरे साइड भी हम सेकेंगे। आप चाहें तो तेल या घी जो भी हो उससे आप सेक सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे घी, या आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से बनाने से देखने में लगता है जैसे तंदूरी रोटी है या नान जिस तरह से बनता है, उस तरह का इसका देखने में लुक लगता है। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे छोला मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसमें ले लेती हूँ रोटी। यहाँ पे देखिए सारा रोटी बन गया है, तो हम लोग चलते हैं खाना खाने, और खाना खाने के बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ फिर। दोस्तों टेबल पे जो है खाना आ गया है, अब हम लोग खाना खा लेते हैं। और कैसा बना है छोला वो मैं आप लोगों को खाने के बाद ही बता पाऊँगी, अभी तो पहले मैं खा लेती हूँ क्योंकि लगी है भूख। आप देखिए टाइम कितना हो गया है, संडे को अक्सर लेट हो जाता है। तो चलिए अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, और खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों संडे हो तो ऐसा ही हो, ऐसा मैं क्यों बोल रही है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और खाना पीना हम लोग का हो गया, बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी बना था छोला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके साथ अगर भटूरा रहता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैंने भटूरा जानबूझकर नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने भटूरा नहीं बनाया। और ज़रूरी नहीं कि हर संडे को हैवी खाना ही होना चाहिए, इसलिए मैंने जो है नमकीन रोटी ही बनाया, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा इस बार ज़्यादा सॉफ्ट बना था, क्योंकि मैंने जो वो छेना का पानी था उससे मैंने आटा लगाया ना, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आ गया आज का खाना खाकर। और ये सब खाना रहता है तो थोड़ा सा खाना जो है ज़्यादा ही हो जाता है, और ये क्या बोले हैं ये अगर सामने आके बात करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कि ये क्या बोल रहे थे। तो जैसा होता वैसा मैं आप लोग के साथ जो है शेयर करती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर जो है आराम करूँगी, खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो मैं आराम करूँगी। उससे पहले मैं जो है वीडियो का काम करूँगी, मुझे वीडियो एडिट करना है तो उसी को मैं करूँगी, और अपलोड भी करना है आज मुझे। तो देखती हूँ जैसा टाइम मिलता है वैसा मैं उसे करती हूँ। पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद ही जो है वीडियो का काम करूँ, तो जैसा होगा वैसा मैं करूँगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी सोकर मैं जगी हूँ, और सोकर जगती हूँ तो कुछ करने का मन नहीं करता है, सबसे पहले लगता है चाय पीऊँ, तो वही जा रही हूँ चाय बनाने ही। फटाफट से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ना आप लोगों से बात करती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पे मैंने चाय जो है बनने के लिए गैस पे रख दिया है। दोस्तों जब तक चाय बन रही तब तक मैंने यहाँ पे गेहूँ को जो है रख दिया है, इसे मुझे चालना है। आटा अब थोड़ा ही बच रहा है तो इसको आज मैं पिसवा दूँगी, फिर इनको टाइम नहीं मिलेगा, ये अपना काम में लगे रहेंगे तो गेहूँ भी नहीं पिसाएगा। और आज इसके वजह से जो है खाना बीच में ही छोड़ना पड़ा, जब हम लोग खा रहे थे तभी ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो खाना छोड़कर जो है छत पे गए थे इसको लाने। कल ही मैंने इसे धोया, पूरा सूखा नहीं है, थोड़ा बहुत ही सूखा है अभी, तो आज जितना हो सका है वो उतना पे ही काम चलाना होगा, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। अभी भी काला बादल किए हुए, अभी दोपहर में बारिश हुई है, हम लोग सोए हुए थे तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, पूरा यहाँ पर गीला है, यहाँ पर नहीं है लेकिन उधर पानी जहाँ पर जमा होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसी जी के पास पानी जमा है। कोई नहीं,
अभी ये चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इसे चालूंगी, क्योंकि आज सुबह मैं चाय नहीं पी हूँ। सुबह से अभी चाय मैं बनाई हूँ, क्योंकि फिर सोचा कि मैंने शाम में ही पीऊँगी, इसीलिए अभी शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गया है। सुबह मेरा दूध फट गया तो चाय का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया, तो अभी चाय मैं पी लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं चालूंगी। चिट्ठी वगैरह तो नहीं लगा है ना, चले चाय जल्दी से रेडी हो जाए। मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय तो बन गई और साथ के साथ बारिश भी आ गई है, बारिश हो रही है। कैसे चालू, तेज बारिश होने देखें, रूम में चल लेते हैं, यहीं पे चल लो, यहीं पे चल लो, चल लो। चालू ऐसा कि हवा से मतलब घर ना भरे, उधर ही जाए, घर में ना भरे हवा से, बाहर जाए। यहाँ पे बारिश आ रही है, कैसे होगा? यहाँ तक तो पानी आ रहा है। अच्छा देख लेती हूँ थोड़ा देर, जैसा होगा वैसा करेंगे। अभी चाय पी लेते हैं। यहाँ पे गेहूँ को चाल कर मैंने बोड़े में रख दिया है, अब इसको पसीने पसीने हो गए। चलिए अभी थोड़ा जा रहे हैं बाहर टहलने, संडे है तो थोड़ा टहलना तो बनता है, टहल लेते हैं। आज छत पे नहीं गई हूँ, आज गेहूँ चालने में रह गई, तो अब मैं जा रही हूँ टहलने, उसके बाद आती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। रख दिया है मैंने। 2000 years later दोस्तों वॉकिंग से आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना आया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है और वॉकिंग करने में पसीना भी आता है। और साथ के साथ मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ, ये है नेनुआ जिसे हम लोग परोर कहते हैं, और यहाँ पे मैं ले ली हूँ भिंडी, ये मैं कल बनाऊँगी, इसे मैं अभी बनाऊँगी। और यहाँ पे और भी कुछ है, ये क्या है ये मैं आप लोग को अपना अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये बहुत दिनों के बाद आज मैं लेकर आई हूँ, आई थिंक पटना में ये पहली बार मैंने लाया है। आई हो तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ जो है अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें क्या है आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और इस समय तो मैं खाना का जो है कुछ भी सूट नहीं करूँगी, हाँ थोड़ा बहुत लास्ट में आप लोगों को दिखा दूँगी कि क्या क्या मैंने बनाया है। और अभी मैं थोड़ा फ्रेश होंगी क्योंकि पूरा पसीना से जो है गीला हो गई हूँ, तो फ्रेश हो लूँगी, उसके बाद जो है खाना में लगूँगी। तब तक मैं जो है सब्ज़ी वगैरह जो कट कर लेती हूँ और धो लेती हूँ, भिंडी को धो के रख देती हूँ क्योंकि सुबह आसान रहेगा बनाने में, ऐसे गीला रहता है तो कट करने में अच्छा नहीं होता है और ना ही बनाने में अच्छा बनता है, इसलिए इस समय मैं इसे धो के रख देती हूँ कि सुबह ही मेरे लिए आसानी हो। एकदम खिंचा खिंचा जो है भिंडी लेकर आई हूँ, सुबह इसका बनेगा। और मिलती हूँ थोड़ी देर में, बात करती हूँ आपसे। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद जो है बाकी का काम मैं करूँगी।
तो इस समय मैंने दिखाया आप लोगों को, मैं बहुत ही हल्का खाना बनाऊंगी क्योंकि सुबह मैं बहुत ही हैवी हो गया था और दोनों टाइम हैवी खाना सही बात भी नहीं है और रात को तो बिल्कुल भी हैवी खाना खाना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सा जो है इस समय खाना बनाऊंगी। और जो मैंने बोला था कि संडे हो तो ऐसा ही हो, ये मैंने क्यों बोला था वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं भूल ही गई थी बताना, मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा कि नहीं आप लोग को मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये बोले थे कि संडे हो तो ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि डेली अपना वर्किंग का काम होता है, तो डेली तो ये फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, जल्दी में ये खाना भी खा कर जाते हैं, तो डेली तो उतना अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ सप्ताह में एक दिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा मैं बना दूँ, और नहीं हो सका तो संडे को तो ज़रूर ही बनाती हूँ। संडे को ये घर पे रहते हैं, आराम से जो है खाना को इंजॉय करते हैं, तो संडे को मैं इसीलिए जो है अच्छा सा बनाने का कोशिश करती हूँ, तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ स्पेशल होता है तो ये बहुत ही खुश हो गए थे आज का खाना खाकर, बोले इसलिए मैं बोली थी, यही बोले थे कि संडे हो तो ऐसा ही होना चाहिए, संडे को कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, आज का खाना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बस वही मिसिंग रहा भटूरा, वो रहता तो इनको और भी अच्छा लगता। कोई नहीं, फिर कभी जैसा होगा वैसा मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा लगा खाना खा के इनको, तो वही ये बोले थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि ये सामने आकर तो बोलेंगे नहीं, मैं कभी कभी शूट कर लेती हूँ तो बात अलग है, खाते समय वो बोल रहे थे तो उसमें मैं शूट भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं सोची कि मैं ही बता देती हूँ, इनको आज का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए इसी के साथ जो है मैं करती हूँ अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग, और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप लोग को समझ में भी नहीं आता है और मेरा वॉच टाइम अब अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और अपना सपोर्ट प्लीज़ मुझे दीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।